गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सुमान। शांत सनातन अप्रमेय, यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी ने सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखा तो कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका जारी सब जन अशोक अंगार दीन अरस उठ कर गयु। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चित अब मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अतुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई माया ते अति रखी नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले रामचंद्र गुण पर नहीं लागा सुनता ही सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। ये श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत यही कथा सुनाई कही सुप्रकट होती की निभाई तब हनुमंत निकट चली गयउ फिर बैठी मन विस्मय भयउ। सीता जी बोली जिसने कानों के लिए अमृत रूपी ए सुंदर कथा कही वो है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए, उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ राम दूत मैं मातु जान की सत्य तपत करना निदान की मुद्रिका माँ तुम्हें आनी दीन राम तुम कहे सहदानी। हनुमान जी ने कहा हे माता जानकी मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ
करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी दी है। नर बानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कौ कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा कही। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। बोलिए क्या कति रामचंद्र की, हनुमान की। जनु जानी प्रीति अतिकारी, सजल नयन पुल का बलिबाड़ी, बोलत बिरह जलधि हनुमाना, भयउतात मोहु जल जाना। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि हे सुधरी अनि छुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख धाम, प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन ममती तलताता, कोई है निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन न आओ नयन भरे बारी, अहे नाथ हम निपट बिसारी, देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से बचन नहीं निकलता, नेत्रों में बिरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को बिरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, सब दुख दुखी सूत्र पानिकेता, जन जननी मानहु जियुना, तुम दे प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन को छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अहु सुन जननी दलधीर, अस कहे कपि गद गद भयहु भरे बिलो जननी। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। बोलिए क्या कति रामचंद्र की, हनुमान की।